ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ ओहो, खोया खोया चाँद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो कितना खूबसूरत गीत है ना, और बर्मन दादा की धुन है, बहुत ही मधुर धुन है। शैलेंद्र जी ने लिखा है, रफ़ी साहब ने गाया है, देव साहब की अदाकारी। आज सुबह सुबह पूर्णिमा का चांद घर जा रहा है वापस। आज दिन है 31 अक्टूबर, कल रात पूर्णिमा थी, चांद चल दिया और मैंने जाते जाते इसे कैप्चर कर लिया। 4:20 हुए हैं अभी सुबह के। क्या खूबसूरत मंजर है, बादल छाए हुए हैं। ये बंगलौर की एक खूबसूरत शहर है। ऐसे ऐसे गीत बनाते थे मधुर बर्मन दादा। आज ही के दिन रुखसत हुए थे, बरस 1975 था, यानी 31 अक्टूबर। बहुत कुछ बोलने का मन किया, बोल भी लिया उनके बारे में, लेकिन जाते जाते चांद पे ये गीत गा लेना मेरे लिए एक बड़ा सुखद अनुभव है। देखिए किस तरह से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चांद गुम हो रहा है। सवेरे सवेरे खो गई है आज मेरी हसरतें, हम तो समझे थे मिलेंगी चाहते चाहते, हाय क्या होना था और क्या हो गया, चांद मेरा बादलों में मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, चांद मेरा। इस तरह से चांद खिलखिलाता जिंदगी में आता है और फिर एकदम गायब हो जाता है बादलों में। ये अपना अपना नसीब है कि कितनी देर किसी को चांद का साथ मिलता है। बादल छाए हुए हैं और इन्हीं बादलों में छुपकर धीरे धीरे घर जाता हुआ चांद, खूबसूरत चांद, ये पूर्णिमा का चांद है, चल दिया सवेरे सवेरे अपने आशियाने की तरफ। अब ये दूसरी दुनिया में चला जाएगा और वहाँ जाकर उस दुनिया को महकाएगा पूर्णिमा का चांद। बस चलते चलते पकड़ लिया, लपक लिया चांद को मैंने। चांद मेरा, एक बार चांद गुम हो जाता है तो फिर उसके बाद पूरा एक महीना पूर्णिमा के चांद का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए एक झलक और दिखाई दे रही है जाते जाते इस चांद की, बड़ा ही दिलकश मंजर है। सवेरे सवेरे बस ये हो गई चांद की घर वापसी और चांद रुखसत हो गया। स्याह बादलों के पीछे छुपकर झांकता हुआ चांद, चांद की अपनी महिमा है, अपनी गरिमा है, अपनी खूबसूरती है।
सवेरे सवेरे डूबता हुआ चांद, शाम को डूबता सूरज तो कई बार देखा है, लेकिन पूर्णिमा के चांद को सुबह सुबह बादलों से इस तरह अटखेलियाँ करते देखना, ये एक सुखद मंजर है। चुप न होगी हवा भी, कुछ कहेगी घटा भी, और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी, फिर तो पत्थर ही शायद जब्त से काम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आही भरेगा। धीरे धीरे आसमान में चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ चांद आखिर गुम हो रहा है, बस कुछ पल और सवेरे सवेरे मुनासिब वक्त पे आकर इस चांद को इस तरह से लपक लेना, ये मेरे लिए वजहए खुशी है। इस बादल के छोटे से टुकड़े के पीछे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है और ये बाहर आ गया पूर्णिमा का डूबता हुआ चांद। क्या दिलकश दिल फरेब मंजर है आज ये, सवेरे सवेरे वो निकल आया चांद। चेहरे से जरा अपने, चेहरे से जरा आंचल, जब आपने सरकाया दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। हाँ चांद निकला था, फिर उसके बाद डूब गया बादलों के पीछे, खो गया चांद। सवेरे 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 अब फिर एक महीना इंतज़ार करना होगा पूर्णिमा के चांद के आने का, यही जीवन है और यही जीवन के सुख भी है। इन बहारों के साए में आ जा, इन बहारों के साए में आ जा, फिर मोहब्बत जवां रहे न रहे, जिंदगी तेरे ना मुरादों पर कल तलक मेहरबान रहे न रहे, चांद मध्यम है आसमां चुप है, नींद की गोद में जहाँ चुप है। लाफानी धुन, लाफानी अल्फाज और एक खूबसूरत गीत मदन मोहन जी, साहिर साहब और लता जी, 1955 का ये गीत, खूबसूरत रेलवे प्लेटफॉर्म। चांद समुखड़ा क्यों शर्माया, आँख खुली आँख मिली और दिल घबराया, चांद समुखड़ा। मधुबाली जी का तो चेहरा वैसे भी चांद जैसा ही था और ये गीत बर्मन दादा ने उनके लिए ही तैयार किया था, ऐसे ऐसे दिलकश गीतों को वो तैयार किया करते थे बर्मन दादा। और चांद आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र तय कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम्म,
चांद सा मुखड़ा। धीरे धीरे चल चांद गगन में, चांद को देखकर शंकर जयकिशन भी तो पीछे नहीं रह सकते थे। तुम तो दिल के तार छेड़ गए हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम सनम रात भर। तुम तो दिल के तार छेड़ गए। एक चांद और इतनी सारी धुनें, यही हमारे संगीतकारों का कमाल है। और हर संगीतकार का चांद को देखने का एहसास भी अलग अलग। ये हमारे संगीतकारों का अनूठा तरीका है हमारे मन को मोह लेने का। एक चांद और इतनी सारी